नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, सड़क पर चलते समय कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। आप कितना भी सही तरीके से लिमिटेड स्पीड में और रूल्स को फॉलो करते हुए क्यों ना चल रहे हो, जरूरी नहीं है सामने वाला भी वैसा ही करे। और कभी कभी सामने वालों की कुछ लापरवाहियां आप पर भारी पड़ सकती हैं, जिससे आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली सेफ कार्स की जरूरत होती है, ताकि उसमें बैठकर आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। अभी रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने XUV 700 मारुति सुजुकी वैगनर और ट्रक के बीच हुआ एक खतरनाक एक्सीडेंट देखा होगा, जो सडन ब्रेकिंग की वजह से हुआ था। आज फिर से वैसा ही कुछ सामने आ रहा है, जिसे चैनल के एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली कर्नाटका के उडुपी में हुआ है, जिसे कुछ न्यूज चैनल्स ने भी शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300 और ट्रक, ये सारी ही गाड़ियां NH66 पर आगे पीछे चल रही थी। तभी किसी वजह से सबसे आगे चल रही इनोवा के ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया, जिसके बाद सारी ही गाड़ियां आपस में लड़ गईं। अब इनोवा के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक क्यों लगाया वो तो नहीं पता, हो सकता है किसी से बचने बचाने के चक्कर में इसने ऐसा किया हो। जो भी हो, टक्कर बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें सारी ही गाड़ियां डैमेज हो गईं। सबसे पीछे ट्रक था जो XUV में लड़ा है, जिससे इसका फ्रंट अंदर घुस गया है। वहीं XUV के बैक साइड को देखा जाए तो ये भी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। गाड़ी का विंडशील्ड, बूट, टेल लाइट, रूफ सब कुछ मुड़ते हुए अंदर घुस गया है। फ्रंट साइड में बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर, ग्रिल और फेंडर वगैरह में नुकसान देखा जा सकता है। नेक्सॉन का बैक साइड फोटोज में नहीं आ पाया है, इसलिए इसके डैमेज का अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है नुकसान इसमें भी अच्छा खासा आ गया होगा। वहीं फ्रंट साइड में नेक्सॉन का बोनेट, बम्पर और रेडिएटर कुछ हद तक डैमेज हो गया है। इनोवा का भी बैक साइड क्लियर नहीं है, साइड से सिर्फ इसका बम्पर टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो XUV 300 के 2 पैसेंजर्स, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, उनको शायद थोड़ी चोटें आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। इसके अलावा बाकी गाड़ियों के लोग माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ हैं। तो भाई, ऐसी चीजें आए दिन देखी जाती हैं। सडन ब्रेकिंग की वजह से हाईवेज पर बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ऐसे में आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि सामने की तरफ थोड़ा फोकस्ड होकर चलें और पेडेस्ट्रियंस या फिर जानवरों के मूवमेंट पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो कभी कभी अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। आपकी नजर उन पर पहले से रहेगी तो ब्रेक भी आराम से अप्लाई होगा। दूसरी चीज, हाईवेज पर गाड़ियों के बीच हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में आपकी गाड़ी आराम से कंट्रोल हो जाए। बाकी भाई, ये XUV 300 का टर्बो स्पोर्ट्स मॉडल है, जिसे रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, और ये वाली गाड़ी बिल्कुल नई है। ऐसा लग रहा शोरूम से चली आ रही है, माला भी नहीं उतरा है इसका। वाकई में ये बहुत बुरा हुआ।